Hello, 6th standard students. How are you all? There is drawing lecture today. Take out your yellow sketchbook. Aaj creative book mein kuch bhi nahi karna hai. Yellow sketchbook nikaliye. Yellow sketchbook nikala. Open your book in your index page. Write down number 11. यहाँ पे one line leave करके लिखते हैं हमेशा. इसमें भी 10 subject पर हो चुका है. अब आज 11 number पे आज की date 13.2.21 flower plant फूल का पौधा. कोई भी फूल का पौधा बना सकते हो आप, लेकिन आज मैंने हिबिस्कस प्लांट ड्रॉ करा है मैंने. चलो तो प्लांट ड्रॉ करने के लिए एक तो उसका स्टेम आएगा, फिर कहीं भी फ्लावर ऐसे बिठा दो, कुछ बर्ड्स बिठा दो यू इस तरह से. कैसे भी मैं चार हिबिस्कस प्लांट बनाएंगे तो हम फ्लावर के लिए यू ओके. फिर अगर लीव्स बना लो तो एक हल्के से शेप बना लो लीफ का, और फिर इसको इसका लीफ कुछ इस तरह से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसके विंग्स. फ्लावर और लीफ मैंने बता दिया, थोड़ा एक कली भी बता दो कैसे बनाने का होता है. ओके, फिर आप जोड़ लीजिए कहाँ पे उसकी ब्रांचेस छोटे छोटी लड़ियाँ. तो मैंने यहाँ पर बना लिया. आपका वीडियो शॉर्ट में बनाना है, लेंथी बनाने से कोई मजा नहीं, आप फिर देख भी नहीं पाएंगे. 2-3 दिन का बनेगा तो आपको परेशानी होती है, क्योंकि दिन में बहुत तो बहुत 1.5 GB तक मिलता है मंथली. तो इस तरह से मैंने बना लिया है, वैसे हल्के से बना लिया था, फिर उसको डार्कन भी किया मैंने, और डार्कन कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे रह गया है इस तरह. यहाँ पे तो कुछ डार्क कलर. चलो मैं कलर थोड़ा सा बता, रेड कलर लेना है उसमें मामूली सा ब्लैक कलर लगा देना. रेड कलर पोस्टर कलर यूज़ करेंगे हम 6th स्टैंडर्ड
पोस्टर कलर यूज़ करेंगे, रेड कलर लेना, उसमें बिल्कुल मामूली सा ब्लैक मिक्स करोगे तो वो मरून बन जाएगा, मरून कलर मिलेगा आपको। गलती से मैंने वाटर ज़्यादा ऐड कर लिया है शायद। ओके इस तरह से मैंने फ्लावर कलर कर लिया। यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर मिडिल में करना है। मैंने ये फ्लावर प्लांट थोड़ा ये फोन पर से देखकर बनाया है, हिबिस्कस फ्लावर प्लांट, फोन में से एक इमेज निकाल कर ड्रॉ के मिलता जुलता। तो देखिए मैंने कलर भी बताया फ्लावर को कैसे कलर करना है, उसके बाद बीच में कुछ और डार्क मरून कलर करना है और फिर बिल्कुल बन जाएगा, उसके बाद स्केच पेन यूज़ करेगा। अभी नहीं, पूरा पिक्चर बन जाएगा उसके बाद। अब हम मैं थोड़ा आपको ये ग्रीन कलर बताता हूँ, ग्रीन कलर कैसे करना है पत्ते पर। और स्टेम, इसकी डंडियाँ ब्राउन कलर से करेंगे, कहीं पे कच्ची डंडी बतानी है तो वहाँ पे ग्रीन कलर करेंगे। मैंने डिश में कलर लिया है, उसको ऐसे कलर करेंगे ग्रीन। पोस्टर कलर कर रहे हैं, यहाँ पर आउटलाइन की जरूरत हो, कुछ विंग्स को कलर बता विंग्स के को बताना है सही तरह से, तो स्केच पेन यूज कर सकते हैं।
ओके इस तरह से कलर करेंगे आप। बीच बीच में कहीं सूख जाने के बाद येलो कलर डाल सकते हैं। या फिर पहले से कुछ पोर्शन छोड़ दिए येलो कलर करने के वास्ते। ओके इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना। स्टेम पर ब्राउन कलर कर, ये डंडियाँ ब्राउन कलर करनी है और बन जाने के बाद फिर स्केच पेन यूज़ कर सकते हो अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो इस तरह से आज आपको येलो स्केच बुक में कोई भी फ्लावर प्लांट, मैंने ही भी इसका फ्लावर प्लांट बताया यहाँ पर। आपको अगर कोई और फ्लावर प्लांट ड्रा करते आता है, कलर कर पाएंगे पेंटिंग, तो वो भी कर सकते हो। तो ये रहा हम येलो स्केच बुक में फ्लावर प्लांट बनाना है, कलर करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय।